सुनो, कलकत्ता में एक बाप है, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, बाबा की कृपा सुना रहा हूं। जिसको विश्वास हो सुनना, जिसको विश्वास नहीं हो मत सुनना। जिसको लगे कि कहानियां हैं वो उसको मुबारक। हां, प्रूफ दे सकता हूं मैं भाई साहब। हेलो, अरे पगले, तू दुनिया की फोटो खींच रहा है, बाबा के कैमरे में लग रहा है, उसमें कैद होने की कोशिश कर रहा है। देखो, दोष गायकों को दे देते हो, बदलना आपको पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं किसी पर कोई, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन कीर्तनों को इवेंट मत बनाओ, कीर्तनों को इवेंट मत बनाओ। मैं भी होटल में था, मुझे पता चला कि बाहर ढोल नगाड़े का इंतजाम है। आप पूछ लो मेरी किन से बात हुई, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा भैया प्लीज ढोल नगाड़े बजाकर अंदर मत ले जाना, मेरा मालिक सहनसा आया है, हम तो उसके चाकर हैं, नौकरी भी नहीं मिलती किसी की, हमारा स्वागत नहीं। ये जो ये लगे है ना, ये कभी घातक हो सकते हैं। अभी परसों कीर्तन था, स्पीकर के अंदर में गिर गया, स्पीकर में आग लग गई। यदि किसी प्रेमी के कपड़ों पर गिर जाए और जब ये उछलता है ना, और जब ये पटाखे बजते हैं ना, तो भजन में ध्यान नहीं रहता प्रेमियों। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ऐसे ही पापी मन लगता नहीं। और उसके बाद हम, इसके बाद ये सब नए नए साधन जो आ गए है ना, खर्चा करना है ना, खर्चा करना है तो मैं बताता हूं, बाबा को खूब श्रृंगार करो, खूब बाबा को फूलों से लादो, और बाबा के ऊपर में इत्र की बौछार करो, बाबा के ऊपर में केसर छिड़को, है ना, असली केसर छिड़को। जहां दरबार में सुगंध उड़ती है ना, वहां बैठे सभी प्रेमियों के जीवन को सुगंधित कर देता है मेरा ख्याल। बोलिए सांचे दरबार। कलकत्ता में एक बाप, उसके 6 बेटियां, कोई बेटा नहीं, उन 6 बेटियों का कोई भाई नहीं था और मां भी नहीं थी। और बाप इतना गरीब कि 1800 रुपया महीने की नौकरी करता, और अगर अपना नाम भी लेना पड़े तो कम से कम 2 से 3 मिनट उसे अपना नाम लेने में लगते, वो इतना हकलाता। और ऊपर से एक बेटी जन्मते ही 90 डिग्री का कोण बन गया, कुबड़ था वो बेटी, कभी जिंदगी में बैठी नहीं, कभी खड़ी नहीं हुई, हमेशा वो ऐसे ही लेटी रही। 16 साल की हो गई, कभी जिंदगी में उसने कुछ देखा नहीं। उसको नित्य क्रियाकर्म करवाने के लिए बाप अपनी गोदी में लेकर जाता है एक जवान बेटी को। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। उसकी जितनी हैसियत थी, डॉक्टरों को दिखाया, सबने मना कर दिया। नारायण सेवा संस्थान के अंदर में दिखाया, लेटर पैड पर लिख कर दे दिया कि इसका इलाज वर्ल्ड में नहीं है। किसी श्याम भक्त की नजर पड़ गई, कलकत्ता के सबसे बड़े, बल्कि एशिया में जिस ऑर्थोपेडिक का नाम था, उसका अपॉइंटमेंट 6 महीने नहीं मिलता, उसका अपॉइंटमेंट 2 दिन में लिया। और नेक्स्ट डे उसको डॉक्टर को दिखाने लेके गया, डॉक्टर ने लड़की को देखा और उस श्याम भक्त को बुलाकर कहा कि अगर आपको, मैं आपको हेड्स ऑफ करता हूं, आप किसी गरीब को लेकर आए हो, उस पर खर्चा करने के लिए तैयार हो। उसने कहा डॉक्टर 5 लाख 10 लाख जो लगे मैं खर्चा करने को तैयार हूं, इसको ठीक कर दो। उस डॉक्टर ने कहा देखो, ये तो दुनिया में कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, हाँ आपको खर्चा करना है तो मेरे यहां बाहर लाइन लगी हुई है, जिनके ऑपरेशन के अंदर में मैं फीस नहीं लूंगा, लेकिन हॉस्पिटल तो नहीं छोड़ेगा, दवाइयों में खर्चा लगेगा, अगर आपको खर्चा करना है तो उन पर खर्चा कर दो। उस श्याम भक्त ने उस डॉक्टर की बेंच को ठोक कर कहा, डॉक्टर साहब आपका मेडिकल साइंस के अंदर में लिमिट होगी, मेडिकल साइंस के अंदर में लिमिट है, एक डॉक्टर अभी बचा है जिसके पास मैं लेकर जा रहा हूं,
और जिसके यहां कोई लिमिट नहीं है, और मैं आपको वादा करता हूं इस लड़की को अपने पांव पर चलाकर आपके पास लेकर आऊंगा और कहूंगा देखो जाकर उस डॉक्टर से मिल कर आओ। मेरे घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर वो परिवार रहता था। मैं हर रक्षाबंधन पर उस परिवार में जाता। मेरी दोनों बहनें बाहर रहती है, कभी वो आ जाती, कभी मैं चला जाता, कभी नहीं आना जाना होता, लेकिन मैं हर साल उसके यहां राखी बंधाने जाता था। उस श्याम भक्त ने उस बच्ची को कार्तिक शुद्धि एकादशी, याद बात बता रहा हूं, 12-13 ज्यादा ही होंगे, वो 15 साल के करीब, कार्तिक शुद्धि एकादशी पर उस परिवार को लेकर रिंगस गया, और रिंगस में उस लड़की को व्हील चेयर पर किसी तरह बैठाकर बेल्ट बांधकर, हम लोग 10-12 लड़के लोग थे, रिंगस से खाटू पैदल चले। मैं गवाह हूं उस बात का। बाबा के मंदिर में उस बच्ची को, बाबा के मंड के बाहर उसको लिटाया गया और पुजारी जी से उसको झाड़ा दिलवाया गया, और उसके बाद उस बच्ची को भेज दिया गया कलकत्ते। उसके बाद किसी को पता नहीं क्या हुआ। अगस्त महीने में, ठीक 9 महीने बाद, अगस्त महीने में रक्षाबंधन के दिन मैं उसके घर में हर साल जाता, वैसे ही गया, दरवाजा खटखटाया 2-4 बार, 5 मिनट तक दरवाजा नहीं खुला। मुझे लगा कि कोई नहीं है, मैं घूम कर जाने के लिए, जैसे ही मुड़ा दरवाजा खुला, और दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, वही लड़की जो जिंदगी में कभी नहीं खड़ी हुई, वो अपने पैरों पर खड़ी। उसने दरवाजा खोलते चिल्ला कर बोला, मामा जी आपके बाबा ने मुझे चिता दिया, आपके बाबा ने मुझे खड़ा कर दिया। बोला, मामा जी मेरे पास टेलीफोन नहीं था, मेरे पापा के पास फोन नहीं था, इसलिए आप लोगों को खबर नहीं दे सके, किसी का नंबर नहीं था, मैं इंतजार कर रही थी कि रक्षाबंधन आएगा तो आप आओगे तो खबर लगेगी आपको। दौड़ कर गई, अपना बस्ता लेकर आई। उसने अपने बस्ते को खोल कर दिखाया, देखो मैं पढ़ने जाने लग गई हूँ स्कूल में, 16 साल की उम्र के अंदर में, और आज बाबा की कृपा से वो अपना वैवाहिक जीवन जी रही है, उसके एक बच्चा है बाबा की कृपा से, और वो खूब मौज में जी रही है। जिस दिन उसको डॉक्टर को दिखा के लाया था, उस दिन से उसका बाप कीर्तनों में जाने लग गया था, उस दिन से वो कीर्तन भजन सुनने लग गया था। कीर्तन में वो ताकत है प्रेमियों, जो आपका बिगड़ा हुआ काम बना देगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, 35 सालों के अंदर में नक्षत्र बदले, ग्रह बदले, राशियां बदली, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि चाहे कुछ भी लिखा हो किस्मत में, मेरे श्याम ने हमेशा अच्छा किया, कभी महसूस नहीं होने दिया कि ये राशि तेरी गड़बड़ थी। क्योंकि जो इस पर भरोसा करता है, जो इसका कीर्तन करता है, अगर उसका कोई ग्रह खराब भी होता है ना, तो उससे सेटलमेंट करने के लिए श्याम जाता है और उससे सेटलमेंट करके आता है। इसलिए बोलता हूं कीर्तन करो प्रेमियों,